वरुण गांधी को मिला तीसरा विकल्प, 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से ठोकेंगे दांव। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी का दामन थामने की भी चर्चा हो रही है, लेकिन इन सबके बीच रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी को एक तीसरा विकल्प भी मिल गया है जिस पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक वरुण की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। वरुण गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने का पहला विकल्प है। भले ही राहुल गांधी ने अलग विचारधारा की बात कहकर वरुण के कांग्रेस में आने की संभावनाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अब इसमें प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है और वो वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने का काम कर रही है। प्रियंका और वरुण शुरुआत से ही एक दूसरे के करीबी रहे हैं, लेकिन अब दोनों भाई बहन के बीच पारिवारिक बातचीत से अलग राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के पास कांग्रेस में जाने के अलावा समाजवादी पार्टी से जुड़ने का भी विकल्प है। हाल ही में शिवपाल यादव ने वरुण गांधी की सपा में आने पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले नेता का सपा में स्वागत है। वहीं वरुण ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की थी, जिसके बाद उनके सपा में जाने की चर्चा होने लगी थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जाने के अलावा वरुण गांधी को एक तीसरा विकल्प मिल गया है और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण गांधी किसी एक पार्टी में शामिल न होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं और वो जल्द ही इस पर सभी विपक्षी पार्टियों से बात भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वरुण 2024 के चुनाव में एक बार फिर पीलीभीत लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ने पर ध्यान दे रहे हैं।